ये अपना ऑमलेट है और इसके नीचे हमें रोटी दिखाना है। हाँ, रोटी है इसके नीचे, ये इसके नीचे रोटी। तो एक ही खा लोगे, एक में पेट भर जाएगा। इसमें हिसाब से मील्स को रखना है, यही खाना है, कोई अलग स्पेशल गेनिंग डाइट नहीं बनती। यही रोटी चावल, दिन में चिकन हो गया, सैलेड हो गया, फ्रूट हो गया, यही सब रखा जाता है और इसी से बॉडी बनती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार आप सब? अच्छी हो गया। तो आज की वीडियो किचन से स्टार्ट है, तो समझ जाओ फुल डे गेनिंग डाइट आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और आप लोग इंतजार भी कर रहे थे भाई गेनिंग डाइट, गुरु जी की गेनिंग डाइट शेयर करो। देखो शेड्यूल तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ उस चीज को फॉलो करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं होता ऐसे यार शेड्यूल दिखाना किसी का भी। और मतलब ऐसे तो फॉलो करके भी नहीं दिखाते कोई लोग, बट मैं फिर भी, मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो मेरा हक बनता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अकेला अकेले गेनिंग नहीं करूंगा, सारे भाइयों के साथ मिलकर करूंगा। और आप लोग भी फॉलो करोगे तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सारे भाई मिलकर एक साथ बॉडी बनाएंगे और गेन करके ऐसे घूमेंगे। मजाक कर रहा हूँ, तो अच्छे से उसको फॉलो कर लेना, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग शेड्यूल होने वाला है, पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। अभी फर्स्ट मील पीछे बन गई है, मैं वो अभी आपको दिखा दूंगा। और दो तीन रूल्स को आपको याद रखना है। देखो फर्स्ट रूल ये है, जितना आपका वेट है, 60 किलो वेट है, 70 किलो वेट है, 120, 130, 140 ग्राम अपने डबल वेट के प्रोटीन ले लेना। सेकंड, कार्ब्स और गुड फैट डाइट मार को बहुत अच्छी रखनी है, जंक फूड वगैरह को अवॉइड ही करना है, ऑयली फूड को कभी एक बार महीने में एक बार ही खा लिया तो बनता है, हफ्ते में एक बार ही कभी एक बार खा लिया, तो डेली उस चीज को नहीं खाना, और खाओ तो हेल्थी खाओ भी यार, उतना बढ़िया रहेगा। और थर्ड चीज, वर्कआउट मार को हैवी रखना है। कई लोग खाली वर्कआउट नहीं सोचते, सोचते खाली डाइट खाते रहेंगे गेन कर लेंगे, वर्कआउट को भी हैवी रखना है। उसके साथ वर्कआउट की नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, वो दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा वर्कआउट होगा। तो बस यार बढ़िया से करेंगे इस बार जो भी करेंगे। और इस डाइट को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो जितना मुझे लगता है 4 या 5 किलो वेट गेन हो जाएगा। मतलब आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बढ़िया कार्ब डाइट भी है, बढ़िया प्रोटीन डाइट है, वो तो वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको देख के पता लग ही जाएगा। तो फर्स्ट मील जो हमारी रेडी हो रही है मैं दिखा देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं करते, उधर भी फॉलो कर लीजिए, बद्री फिटनेस इधर लिखा हुआ है, जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई। देखो भाई ने बोल दिया, जाके फॉलो कर दीजिए। तो फर्स्ट मील रेडी हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं जुड़ने चाहिए यार, दिल से दिल जुड़ना चाहिए, तभी मजा आएगा। फर्स्ट मील रेडी हो गई, जो अपना 9-10 बजे के आसपास आप ले लोगे। इधर देखो अपने 5 अंडे, आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखने, और 1 का 2 खाने, क्योंकि काफी अच्छे अमीनो के अंदर मिल जाते हैं। और ये रखे हमने 10 शकरकंदी, सर्दी में आपको शकरकंदी की कमी नहीं पड़ेगी और बड़ी आपको गेन करेगी, तो उसको अपने रख लेना। अपने क्वांटिटी के हिसाब से मैं 3-4-5 अंडे जितने भी खाते उतने रख लेना, और एक छोटी शकरकंदी ले लेना, इसको इंजॉय करना। और अपना 2 या 2.5 घंटे बाद जो मील लेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा सा मैगी मसाला डालो, इधर भाई के लिए भी है, इधर जैसे मैंने आपको बताया ना भाई के हिसाब में बॉडी बनवाएंगे। चलो जी, सो हमारी सेकंड मील का टाइम हो चुका है, जो अपने 2-2.5 घंटे बाद रख लोगे। जैसे अपने फर्स्ट मील 9-10 बजे ले ली, अपना 12-12.5 बजे के आसपास रख लेना, मजा आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट काफी इंटरेस्टिंग होगी, और मैं कोशिश करूंगा जैसे कि आपने फैट लॉस जो कटिंग वाली डाइट में बन के कमेंट करे थे, इस पे भी आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए चैलेंज है, 1K कमेंट चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठंड का टाइम चल रहा है तो शेक रख रहे हैं, और शेक ऐसी चीज है वो हमारी गेनिंग में काफी हेल्प करता है। और दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा, जो हमारे को ना ठंडा होगा ना कुछ होगा। ये चीकू शेक बना रहे हैं, ये तो मैं 2 जनों के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप अपने 1 जने के हिसाब से बना लेना, ठीक है? क्योंकि भाई भी पिएगा ना भाई, पियोगे ना? और क्या। और देखो यार मैं ठंडा मिल्क यूज नहीं करता, हल्का सा वार्म मिल्क, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, हल्का सा वार्म मिल्क है। मतलब इसको हल्का सा कोसा कर दे, इसको ये कह सकते हैं, ज्यादा गर्म कर दोगे तो इसको बंद कर दोगे तो शेकर खुल जाएगा, इसलिए हल्का सा वार्म। इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये लिया अपना दूध, डाल दिया इसमें चीकू, ये अपना 1.5-2 गिलास हो गया मिल्क, थोड़े से डालेंगे बादाम, गुड फैट्स, 4 या 5 बादाम बहुत है। अभी आपको दिखाता हूँ जो आपने टाइटल पढ़ा ना वीडियो का, और ये चीकू शेक वो कैसे बनेगा अभी दिखाता हूँ आपको। इसको अच्छे से अभी ग्राइंड कर लेंगे। इधर हम बनाएंगे अपने साथ में, इसके क्या लेंगे, खाली शेक से तो पेट भरेगा नहीं और अच्छा खासा गेन करना है आपको, तो उसके साथ में हम रखेंगे ये पीनट बटर, ये रखेंगे पीनट बटर, और साथ में रखेंगे ब्राउन ब्रेड।
तो मैं तो यार माई फिटनेस का पीनट बटर सही है 3 पैक मंगवा लिया, एक नेचुरल और एक चॉकलेट वाला और एक अपना क्रंची वाला, क्योंकि यार इसका टेस्ट बढ़िया और एक क्वालिटी अच्छी है। तो मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रहा हूँ, एकदम ब्रेड पे लगा के अलग ही मजा आ जाता है। तो इधर मैं अपने ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर बना लेता हूँ, जब तक 2 ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर रखेंगे और चलो इसको जब तक हम रेडी कर लेते हैं। तो ये जैसे आपका अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, मैं तो फुल पैक लेकर आ गया हूँ ओरियो बिस्कुट के, इसको ट्राई करके देख लेना अलग ही मजा आता है। 2 या 3 बिस्कुट डालने हल्के से क्रश करके, ये आपके ऊपर, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते, आपके ऊपर है। खाली एक बार ही ग्राइंड करना, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा देखना, बस ये हो गया हमारा ओरियो चीकू शेक रेडी। जब इसको पियोगे ना मजा आए तो बता देना, इसमें हल्के हल्के से ये हमारे जो क्रंच आएंगे इसके, उसका अलग मजा, और जो हमारी गेनिंग में हेल्प तो करेगा अलग मजा। ये देखो इसमें थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे से ओरियो ये जो आएंगे, मतलब बिस्कुट आएंगे, इसका क्रंच आएगा, ये शेक है जो हमारी गेनिंग में हेल्प करेगा। इधर ये 2 ब्राउन पीनट बटर, इसमें बढ़िया आपको प्रोटीन मिल जाएगा, जैसे ही आपको पता है इसमें कितना प्रोटीन मिल जाता है, पर इसके अंदर पर स्कूप के हिसाब से अच्छा खासा ब्राउन ब्रेड पीनट बटर में हमारे को अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। तो ज़रूर इसको अपनी मील रख लेना, और ये ऐसी मील है इसको अपने साथ ही आप ले जा सकते हो, जैसे कि आप जॉब पे जाते हो तो ये पैक करके और शेक को अपना पैक करके ले जा सकते हो। इसमें एक आइसक्रीम, जैसे गर्मियाँ चल रही होंगी तो तब एक आइसक्रीम डाल के इसको पैक करके ले जाना, नहीं तो सर्दियाँ तो वैसे ख़राब होता नहीं है 1-2 घंटे तक। तो चलो इसको इन्जॉय करते हैं, एकदम टेस्टी मील है, इसको ज़रूर इन्जॉय करो। उसका थर्ड मील जो भी होगी वो आपको मैं दिखाता हूँ, वैसे शेफ बनना पड़ता है तभी बनेगी वो डी, ऐसे नहीं बनेगी। सो हमारी मील थर्ड का टाइम हो चुका है, ये देखो इधर रखा हुआ चिकन हमने, और इधर रखे हैं व्हाइट राइस, और इधर हो गया हमारा सैलेड। देखो सैलेड भी जरूरी है एक अच्छी स्किन क्वालिटी वगैरह के लिए। व्हाइट राइस हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, रोटी खाओगे तो लेट डाइजेस्ट होगी, उसके बाद भूख कम लगती है, चावल जल्दी डाइजेस्ट होएंगे तो अगली मील आप जल्दी से ले पाओगे, ये प्रो टिप्स होता है। और ये चिकन तो आपको पता है बढ़िया प्रोटीन मिल जाएगा, ये थोड़ा सा चिकन है और चिकन ले लेंगे, कभी चिकन की रेसिपी चाहिए हो तो बता देना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अपना आराम से बैठेंगे, ये तो शोर बहुत मचाते हो, आराम से रजाई में बैठ के इसको मील को मैं इंजॉय करता हूँ, और जो भी नेक्स्ट मील होगी आप लोगों को दिखा दूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर इंटरेस्टिंग है, इस डाइट को अगर फॉलो कर लोगे तो बढ़िया आपको रिजल्ट आप लोगों को आने वाला है। और अगर जो चिकन नहीं खाते वो दाल खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, काले छोले खा सकते हैं, सफेद छोले खा सकते हैं, सारे हाई इन प्रोटीन होते हैं, तो जरूर अपने हिसाब से रख लेना, और सैलेड तो रखना ही रखना है। अब देखो इसकी साइज देखते हैं, ये देखो सो हमारी जो मील है इवनिंग स्नैक में रखा हुआ है इधर रोटी और आमलेट, ये ऐसे है देखो मोम ने बनाया है, इसकी फुल वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कैसे बनेगा वो भी आपको देख के पता लग जाएगा। ये इतना हेल्थी है, जैसे कई लोग ब्राउन ब्रेड में खाते हैं तो मैं इसमें खाऊंगा, इसमें थोड़ा सा खीरे वगैरह भी डाल दिया, जैसे आमलेट लिखा था मेरे में जैसे कि इसके अंदर शेड्यूल में, तो मैं रोटी आमलेट ले लेता हूँ, या ब्राउन ब्रेड लेना ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, दोनों आपकी गेनिंग में हेल्प करेगा। ये देखो बनता कैसे है, ये अपना आमलेट है और इसके नीचे हमें रोटी दिखाना है, रोटी है इसके नीचे रोटी, अपनी ये रोटी, ऐसे 2-3 आमलेट अपना बनाना चाहो बना सकते हो, वैसे तो एक ही खा लोगे एक में पेट भर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, फटाफट से जाके देख लो, इसके बाद वाली जो मील होगी वो शेयर करता हूँ, देख लो फुल अंदर स्टफ हो रखा है, अंदर खाओगे ना मजा आ जाएगा वाकई में। तो हमारा प्री वर्कआउट मील का टाइम हो चुका है, सुबह से वीडियो स्टार्ट मैं नहीं करी थी और टाइम देख रहे 8:15 हो गया, अब बस इसको खा के 20 मिनट में निकलूंगा अपने जिम के लिए, मतलब देखने में तो 10-12 मिनट की वीडियो होती है और मेहनत इस पे 12 घंटे की होती है, सही बताऊँ तो आसान नहीं होता पूरा फुल टाइम व्लॉग बनाना। ये देखो अपने वर्कआउट से पहले आलू दही रख लेना, बैक टू अपने आ चुके हैं बेसिक पे, मतलब 2 महीने बाद आज मैं इसको खाऊंगा, और ये बढ़िया आपका गेन भी करता है और वर्कआउट में आपको अच्छी एनर्जी देगा, जैसे कि लोग आपसे धीरे धीरे करके आपको एनर्जी वर्कआउट में प्रोवाइड करता रहेगा,
तो जरूर। और अगर आपको ऑप्शन लू अगर रखना चाहो तो शकरकंदी भी रख सकते हो, दो या तीन केले भी रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है। वर्कआउट के बाद मैं अपना शेक जिम में पी के आ जाऊंगा, क्योंकि भाई तो होंगे नहीं, फिर किसका बनाऊंगा, और सीधा आपको रात को डिनर मील दिखाऊंगा। सो अब हमारी दिन की लास्ट मील जो बोलेंगे हम डिनर, जो आप आपकी सिक्स मील हो गई। इधर हमने रखे अपने राइस और चिकन। देखो आपके पास ऑप्शन होता है यार, अगर आपको चिकन रखना है तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना दाल चावल भी ले सकते हो, और रोटी अगर अपना रखना चाहो तो रोटी रख सकते हो। वैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो मैं एक बात करता हूँ छोटी सी, जब तक आप कोई शेड्यूल के लिए पे नहीं करोगे, हमारा इंडियन का क्या हिसाब है, किसी चीज़ पर जब तक पैसा नहीं खर्चेंगे उसको तब तक हम ढंग से यूज़ नहीं करेंगे। तो समझ लो इस शेड्यूल पे भी आपने पैसे खर्चे, तभी आप इसको ढंग से प्रॉपर फॉलो करोगे। हर कोई यार अलग अलग है यार, देखो जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं है तो ऐसे हर इंसान भी सेम नहीं है। कोई यार पर्सनल ट्रेनिंग ले लेता है, कोई अच्छे पैसे करके अपना शेड्यूल बनवा लेता है, कोई नहीं ही कर सकता। तो आपको इसी को अच्छे से फॉलो करना है, शेड्यूल को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मील्स को रखना है। यही खाना है, कोई अलग स्पेशल गेनिंग डाइट नहीं बनती। यही रोटी चावल दिन में चिकन हो गए, सैलेड हो गया, फ्रूट हो गया, यही सब रखा जाता है और इसी से बॉडी बनती है। कोई स्पेशल डाइट आपको कोई अगर ट्रेनर कोई बोल दो कि भाई मेरा शेड्यूल बना दे, वो कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं डालेगा आप लोगों के लिए। तो बस इसको अच्छे से फॉलो करिए। और अब जो मैं लास्ट लूंगा इसके बाद, इसको खाने के बाद जो लूंगा वो भी अभी बचा है, वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। सो हमारे मिल्क और छुआरे वाला मिल्क मतलब रेडी हो चुका है। इसको डेली अपना रात को रख लो और इसको अपना सो जाओ पी के अपना। एक तो आपका वेट गेन कर देगा और बढ़िया आपके जो बॉडी में मतलब जो हड्डियां वड्डियां ना उसको भी काफी मजबूत करता है, क्योंकि कैल्शियम मिल जाता है और रात को नींद अच्छी आती है अगर हम सोने में से पहले अपना मिल्क ले लेते हैं। तो आज की वीडियो हम इधर कंप्लीट करते हैं। सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करिए, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। अगर आप चिकन नहीं खाते तो वेज कर लेना, और जैसे अंडे नहीं खाते तो उसकी जगह पनीर कर लेना, दिन में भूख लगे तो फ्रूट खा लेना। तो बस कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी आज आप लोगों को नॉलेज दे दी। अगर नॉलेज पसंद आए तो लाइक भी कर देना, लाइक करिए, एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 लाख तक रीच हो जाएंगे ना तो फिर हम बोलेंगे 500,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वर्कआउट वीडियोस बहुत जल्द आएंगे।